पंजाब दे कुल 4716 पटवार सर्कल्स विच अजकल कामकार करीब करीब ठप हो चुका है। रेवेन्यू पटवार यूनियन ते कानूनगो एसोसिएशन ने 1 सितंबर तो अणमिथे समय तक लई पेन डाउन हड़ताल का ऐलान किया होया है। इन्हां यूनियंस नाल जुड़े 1523 पटवारी हुण सिर्फ उन्हां सर्कल का काम कर रहे ने जिथे उन्हां दी तैनाती है, यानी कि किसी भी एडिशनल सर्कल का काम उह नहीं कर रहे। पटवारियों की इस हड़ताल का असर पूरे पंजाब विच वेखण नूं मिल रहा है। आम आदमी नूं अपनियां रजिस्ट्रियां करवाण, इंतकाल करवाण ते बाकी वड्डे सारे काम कराण लई पटवार खानियां ते तहसील दफ्तरां विच धक्के खाने पै रहे ने। सरकार भी इस मामले विच सख्त वतीरा अपना रही है। सूबे विच 31 अक्टूबर तक एस्मा लागू कर दिता गया है, यानी कि सरकारी कर्मचारी जे हुण हड़ताल करदे ने ते उन्हां खिलाफ सख्त कार्रवाई होना यकीनी है। सरकार दे इस फैसले दा मुलाजमां उत्ते उल्टा असर हुंदा नज़र आ रहा है। पटवारियों के नाल नाल हुण मिनिस्टीरियल स्टाफ यूनियन ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिता है। इन्हां मुलाजमान ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 10 सितंबर तक उन्हां दियां मंगां ना मनिया गई तो वह भी 11 सितंबर तो लैके 13 सितंबर तक कलम छोड़ हड़ताल कर देंगे। यानी आने वाले दिनों में आम साधारण इंसान दियां औकड़ां वधण वालियां ने। आखिर अजिहे किहड़े कारण ने कि सरकारी मुलाजम खासकर पटवारी सरकार दे नाल टाकरे दी राह ते वध रहे ने। दरअसल यह मामला कोई 5 साल पुराना है। जून 2018 विच एक 14 कनाल 11 मरला प्लाट की एक वसीयत खानगी की गई सी। कहा जाता है कि यह कार्रवाई जाली दस्तावेजों की बुनियाद उत्ते की गई सी। इस जायदाद की म्यूटेशन पटवारी बलकार सिंह ने की सी ते कानूनगो दर्शन सिंह ने इसकी तस्दीक की सी। उस वक्त के तहसीलदार विपिन भंडारी ने इसनू फाइनल मंजूरी दी सी। यह मामला साल 2019 की शुरुआत विच फिर तो मंजरे आम ते आया जदों संगरूर दे डिप्टी कमिश्नर नूं एक शिकायत मिली कि इस जमीन की म्यूटेशन विच गड़बड़ी है। दरअसल यह जमीन दिल्ली के रहण वाले सुदर्शन कुमार दी सी ते उसने इसनूं अपने भतीजे खनौरी निवासी दीपक राज नूं तोहफे दे तौर ते दिता सी। 2 साल दौरान इस मामले नूं लैके कोई शिकायत रेवेन्यू डिपार्टमेंट नूं नहीं मिली। फिर अचानक कुछ दिन पहला संगरूर दे एक प्रॉपर्टी डीलर अमरीक सिंह ने इस मामले बारे शिकायत दायर कर दी। इस शिकायत के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो ने मामला दर्ज कर लिया ते तफ्तीश शुरू कर दी। बलकार सिंह ते दर्शन सिंह नूं गिरफ्तार कर लिता गया। हुण तहसीलदार तो PCS बन चुके विपिन भंडारी खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। रेवेन्यू पटवार यूनियन के अहुदेदारां दा कहना है कि तिना अधिकारियों नूं बिना वजह फसाया जा रहा है। इन्हां दे मुताबिक म्यूटेशन बिल्कुल कानून मुताबक हुई है ते किसी भी ब्लड रिलेशन ने इस नूं लैके कोई एतराज नहीं किया। यूनियन मुताबक शिकायत करन वाला अमरीक सिंह एक तीजी पार्टी है ते उसका इस मामले दे विच शिकायत करन दा कोई अख्तियार ही नहीं है। पटवार यूनियन मुताबिक दोनों गिरफ्तारियां भी गैर कानूनी ढंग दे नाल कीतियां गईयां ने। विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून दी धारा 17A नूं तवज्जो नहीं दित्ती, जिस दे अनुसार पटवारी ते कानूनगो नूं अरेस्ट करन तों पहलां कंपीटेंट अथॉरिटी तों मंजूरी लेना जरूरी हुंदा है। बहरहाल यह पूरा मामला हुण लगातार खिलरदा जा रहा है। ना तो मुलाजम ते ना ही सरकार पिछे हटन नूं तैयार ने। इन्हां हालातां विच पटवार सर्कल्स का काम मुतासर होना लाजमी है। कि भगवंत मान सरकार इस मसले विच परिपक्ता ते दयानतदारी विखाएगी, ये हुण वेखना होवेगा।